बनाए अपने यादगार पलों को और भी खास महादेव फ्लावर डेकोरेशन के साथ। हनुमान मंदिर गली 5 सिविल लाइन सागर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र के वायदे पूरे नहीं होने की स्थिति में अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने वाले बयान को कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर दोहराया है। ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक जनसेवक हैं और जनता के मुद्दों के लिए लड़ना उनका धर्म है और सड़क पर उतरने की बात दोहराई। मालूम था कि आप लोग प्रश्न करेंगे। मैं जनसेवक हूं, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म बनता है और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को सब्र रखना है, एक साल हुआ है और अगर जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा, अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरना ही होगा। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई वायदे किए थे जिनमें से कई वादे सरकार अभी तक एक साल में पूरी तरह से नहीं कर पाई है। अब सरकार के खिलाफ सिंधिया मैदान में उतर चुके हैं। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी सरकार को घेरा हो। इसके पहले भी वह किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट। बनाए अपने यादगार पलों को और भी खास महादेव फ्लावर डेकोरेशन के साथ। शादी विवाह, जन्मदिन एवं सभी मांगलिक कार्यक्रमों का इवेंट प्लानर, फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, फ्लावर डिलीवरी के लिए संपर्क करें महादेव फ्लावर डेकोरेशन। फ्लावर डिलीवरी के लिए संपर्क करें महादेव फ्लावर डेकोरेशन, हनुमान मंदिर गली 5 सिविल लाइन सागर मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9685837495 7697505183।